स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज मैं बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के बीच में आया हूं, और ये जो अपडेट है आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की न्यूज है जो आप सभी के बीच में आज लेकर के आया हूं। और इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, नहीं तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट अपडेट है आप खो दोगे। और आज की जो अपडेट है वो भी मैं बता दूं किसके लिए है, तो आज की जो अपडेट है हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए उन सभी एनएम के लिए है जिन्होंने एनएम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, और जिन्हें इंतजार था बहुत ही बड़ी वैकेंसी का, तो आज का दिन उनके लिए है क्योंकि अभी जो एनएम की वैकेंसी है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है और पूरी तरह से वैकेंसी की अपडेट आ गई है। किस डिस्ट्रिक्ट से कितने पोस्ट है ये सारी चीजें डिपार्टमेंट ने अपने ओर से पूरी तरह से बता दी है, और कैसे क्या चीजें हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, और कैसे आपका सिलेक्शन होना है, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जान लेते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या चीजें करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपी एनएम की 5,000 पोस्ट का रिक्वायरमेंट आ गया है। 5,000 पोस्ट जो है वो रिक्तियां हैं, वो पास 5,000 जो है वो आ गई हैं। और कैसी रिक्तियां हैं, कहाँ पे नियुक्ति होनी है, किस हिसाब से आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यूपी एनएम में जो 5,000 सीटें हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको पता होगा कि जब एनएम की वैकेंसी है तो पूरा जो सर्टिफिकेट है 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा का एनएम का आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो एनएम का डिप्लोमा है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इंस्टीट्यूट जो है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल स्टेट के द्वारा। तो नर्सिंग काउंसिल के द्वारा अगर वो चिन्हित संस्था नहीं है और आपने वहां से एनएम किया है और आपको वहां से अगर सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो आप अप्लाई करने से पहले पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाइएगा कि आपने जो एनएम की डिग्री ली हुई है वो पूरी तरह से नर्सिंग काउंसिल जो है स्टेट द्वारा पूरी तरह से वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है कि नहीं, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे जरूरी जो बात है वही है, प्लस आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो बेस्ट हो जाता है इस प्रोसेस में, इस जॉब को पाने के लिए अप्लाई करने में आप पूरी तरह से बेस्ट हो जाते हो, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, आपको उसमें छूट मिलेगा और बढ़िया से आपको जो भी वेट लिस्ट आपको बनेगा, क्योंकि आपको प्रोसेस पूरी तरह से अभी धीरे धीरे मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रक्रिया कैसे सिलेक्शन होना है। तो एलिजिबिलिटी यही है कि आपको 2 साल का एनएम का सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो कि स्टेट काउंसिल द्वारा पूरी तरह से जो भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो पूरी तरह से अप्रूव्ड हो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं एज क्या है, तो अगर जिन्हें भी अप्लाई करना है उनकी एज मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, वो भी 12 सितंबर 2021 तक आपकी एज जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 12 सितंबर 2021 तक 40 साल की अगर आपकी एज नहीं, मतलब 40 साल से अगर ओवर कर जाते हो इस डेट को, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। और जैसा कि एज रिलैक्सेशन का जो रूल है यूपी में, तो कई फॉर्म में चेंजेस मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंपली बता दिया गया है कि ओबीसी के अगर कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर एससी और एसटी के कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अगर आपकी एज 40 साल हो भी गई है लेकिन अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिलेगी। उसी तरह से डॉक्यूमेंट जान लेते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, तो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको जरूरी है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो एनएम की डिग्री का सर्टिफिकेट है जो आपको कंपलसरी है, होना चाहिए आपके पास, और चौथे नंबर पे जो सर्टिफिकेट मैंने मेंशन किया उसमें आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपको देना है, फिर आधार कार्ड आपको देना है, ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा,
आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा, और बाकी का प्रोसेस में आपको पता है फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस डिमांड नहीं की गई है, आपको फीस नहीं देना है। आप सभी को पता होगा कि एनम की जो पोस्ट आई है उसमें बस गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है, कोई भी मेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकता है, बस ये फीमेल्स कैंडिडेट के लिए ही है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई करेंगे, और इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है, फी कॉस्ट जो है फ्री है, तो आपको अप्लाई करने के लिए कोई फी पेड नहीं करनी है। और सबसे जो जरूरी बात है, मैं बार बार इस चीज को आपको ध्यान दिला रहा हूं, आप इस चीज पे ध्यान बनाए रहिए कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट करने के बाद से आपने जब डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, जो कि बहुत जरूरी है। और वो वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, और अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो अप्लाई करने के बाद से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या आपने आपको बुला भी लिया गया, या आप उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हो, इस वैकेंसी में अगर इन्वॉल्व भी कर लिए जाते हो, तो जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहां पे आपको छांट दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, आपकी भर्ती कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अप्लाई करने जाए तो अपना जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का जो आपने पाया हुआ है, उसको एक बार चेक करें कि नर्सिंग काउंसिल द्वारा ये रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। मैं बार बार इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इस समय एनम के जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट एनम करा रहा है, उसमें आधे से अधिक जो कॉलेज है जिनका कोई वैलिड कोई आइडेंटिटी नहीं है किसी इंस्टीट्यूट से, उनका सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, ना ही मेडिकल काउंसिल जो स्टेट का मेडिकल काउंसिल है यूपी का, उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। तो ये बहुत ही गलत चीज है और आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अपना, क्योंकि इसमें टाइमिंग है, मैं लास्ट डेट आपको अनाउंस करूंगा बाद में, तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब तक आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके पहले आपकी सारी जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वेट लिस्ट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब कि 1:3 मान करके यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। मतलब अगर आपको इसमें आपने अप्लाई कर दिया है तो ज्यादातर जो भी कैंडिडेट है इसमें, उनकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो मार्क है उनका कट ऑफ निकाल करके ही सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारी भर्तियां इसके पहले हुई हैं, तो जिन्होंने अप्लाई किया है उनको सारी प्रोसेस पता होगी, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है उनके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वेट लिस्ट के हिसाब से अगर आप अनरिजर्व कोटा के अगर कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो 33% मार्क आउट ऑफ 100 में से आपको 33 मार्क जो है, 100 मार्क में से आपको 33 मार्क कंपलसरी लेना होता है पास करने के लिए इसको। अगर आप पास कर जाते हो तो, अगर आपने प्लस एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कहीं काम किया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको इस कट ऑफ में शामिल कर लेगा। तो आपकी कट ऑफ अच्छी बनेगी और आप इसमें इस पोस्ट वैलिड हो जाओगे, मतलब आप इस पोस्ट में इन्वॉल्व हो जाओगे। उसी तरह से अगर ओबीसी के कैंडिडेट का अगर देखें, तो ओबीसी के कैंडिडेट जो है वो 30% मार्क आउट ऑफ 100 में से होना चाहिए। 30% मतलब कि 100 में से 30 नंबर आपके लिए कंपलसरी है। एससी एसटी के अगर कोटा के अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनको 24% मार्क आउट ऑफ 100 होने चाहिए, मतलब कि 100 में से 24 नंबर उनको कंपलसरी है ले आना। तो अगर बार बार बता रहा हूं मैं कि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट होगा और आपको ज्यादा परसेंटेज इसमें ऐड हो जाएगा और आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। उसी तरह से अगर जॉब की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे प्रोसीजर हैं, उससे आपको गुजरना होगा, फिर बाद में आपको ये अस्थायी नियुक्ति मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी इसमें आपको मिनिमम जो सैलरी बता रहे हैं, अब आप बाद में आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो वो दूसरी बात है, लेकिन सैलरी जो है आपकी 12,128 रुपए की सैलरी है बाई हैंड आपको गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो पहले भी पता है आपको कि 12,000 की सैलरी थी, पहले भी यही सैलरी थी, और 2,000 कट पीट कट के फिर आपको 10,000 बाई हैंड आपको सैलरी मिलती थी। जो एनम पहले से ज्वाइन किए हुए जो काम करते हैं उनको पता होगा कि उनकी 10,000 सैलरी मिलती है, 2,000 कट जाता है, तो 10,000 सैलरी उनको बाई हैंड मिलता है। अब बात करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने पोस्ट वैकेंसी आई हुई है, कितने पोस्ट हैं। तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट का तो आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको
अपने डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट की जानकारी चाहिए तो आप हमसे बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, या आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप उससे जुड़ जाइए। मैं पूरी जो पोस्ट वैकेंसी है हर डिस्ट्रिक्ट की मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, वहां से सारी जो रिक्तियां हैं पता चल जाएंगी कि एनएम की जो रिक्ति आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है वो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं ये बता देता हूं कि दो तीन डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे देवरिया जो डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, वहां से आपको 104 सीट जो है वैकेंसी वहां की 104 सीट की है, और गोरखपुर से 65 सीट की वैकेंसी है, और लखनऊ से 8 सीट की वैकेंसी है। तो तीन जो डिस्ट्रिक्ट है मैंने यहां पे मेंशन कर दिया और बता भी दिया कि रिक्तियां कितनी है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, देवरिया से 104 है, गोरखपुर से 65 और लखनऊ से 8 रिक्तियां हैं। इसी तरह से अगर क्रमवार जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ वैकेंसी आई हुई है, और टोटली जो वैकेंसी है वो 5000 सीटों की है। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाइए, अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो भी है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड कर लीजिए, तैयार कर लीजिए पूरी तरह से, और आज से ऑनलाइन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अगर ऑनलाइन करने में आपको दिक्कत आती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, या ऑनलाइन की प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है, फॉर्म आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको अगर जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा, जैसा कि पहले से मैं करते आ रहा हूं। आपके हर कमेंट को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं और हर चीज का मैं जवाब तैयार रखता हूं, आपको तुरंत रिप्लाई देता हूं। तो इसलिए अगर आपको जो भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और सबसे जरूरी जो बात है मैं लास्ट में कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि आप सभी को पता है कि अब वैकेंसी आ गई है, तो बहुत सारे चैनल आपको अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल के द्वारा देना चाहेंगे, लेकिन मैंने जो भी चीजें आपको यहां पे बताई है वो स्टेप बाय स्टेप और पूरी तरह से ट्रू जो भी चीजें बताई गई है पूरी तरह से सही है, और इसमें कोई झोल झमेला नहीं है। तो आपको सारी चीजें मैं कोशिश करता हूं कि आसान भाषा में समझाऊं, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो सबसे जरूरी जो बात है यही कि आप जिस भी चैनल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो आपको जब तक ये सही नहीं लगे तो उस इंफॉर्मेशन को लेकर के सही मान लेना ये सही नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जो चीजें समझ में ना आए वो कमेंट जरूर करें।